ऐसा जीवन में संत मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए जो हमारी चंचल वृत्तियों को रोक करके प्रभु के चरणों में एकाग्र कर दे, प्रभु से नाता जोड़ दे। मैंने आपको कल निवेदन किया था, उस परमात्मा की ओर जाने के लिए आपके जीवन में किसी महात्मा की आवश्यकता है। बिना संत के भगवान कहां मिलेंगे, बिना गुरु के भगवान कहां मिलेंगे। गुरु ही गोविंद की ओर लेकर के जाते हैं। वो संत की भलेहारी है जो आपके गुरु के कृपा से, संत की कृपा से भगवान के चरणों में आपको आश्रय मिल जाता है। भगवान के चरणों में जिसका मन लग जाए तो उनको ही भगवान की कथा सुनना अच्छा लगता है। सबको नहीं लगता, सब तो कहते हैं क्या है ये, कुछ भी नहीं है, इसे करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। आज के युवान वो पापी लोग, पाखंडी लोग, अविश्वासी लोग, वो ये कहते हैं। जुआ खेलने के लिए, शराब पीने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, घूमने के लिए, मूवी देखने के लिए, और न जाने कहां कहां भटकने के लिए तो समय निकलता है, लेकिन समय नहीं है तो केवल भगवान की कथा के लिए नहीं, भगवान के काम के लिए नहीं है। कि रामचरित जे, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती वह भगवान की ओर कैसे आएंगे। जिनको भगवान की कथा अच्छी लगती है वही अपने जीवन को सवार सकते हैं। जिन्होंने भगवान की कथा का रस चख लिया है, आदत हो गई है, तो फिर उसके बिना रह नहीं सकते। हम कहते थे आप प्याज मत खाया करो, आप लहसुन मत खाया करो, तो आपका जवाब होगा जी लहसुन प्याज की तो आदत पड़ गई, बस और तो कुछ खाते नहीं है, ये तो जरूर खाते हैं क्योंकि इसके बिना तो हमें सब्जी अच्छी लगती नहीं है। लेकिन ये भी नहीं पता कि आपने बिना लहसुन प्याज की सब्जी खाई नहीं, क्योंकि आपको आदत लग गई है। आदत को छोड़ने के लिए आप हींग और जीरे के छौंकी सब्जी भी खा करके कभी देखिए, जो प्रभु के प्रेम से बनता है, जो प्रभु के भोग के लिए बनता है, वह आपको स्वाद से भरी होगी। ये इंसान है जो कुछ भी कर सकता है। मन को तो जैसे आप रखोगे वैसे रह लेगा, ये मन का क्या है। मन को तो आपको मन कहेगा कि हम चलो कुएं में चलें, कुएं में गिर जाएं, तो गिर जाओगे क्या। मन कहे कि चलो हम तालाब में कूद जाए, तो कूद जाओगे क्या। मन जो कहे वो आप करें तो समझो कि आप मन के गुलाम बन गए हैं, आप मन के बस में हैं। मन जो न कहे, मन जो कहे वो हम ना करें तो समझो कि हम अपने ईश्वर के गुलाम हैं। संसार की ओर जा रही है इंद्रियां, वृत्तियां, मन, बुद्धि, चित्त, इसको रोकने के लिए केवल प्रभु के नाम की कथा काफी है। भगवान की कथा ही है
जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र आही भवन समा। अरे भैया, जिनकी कथाएं भगवान की, जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते, उनके कान सांप के बिल के जैसे होते हैं। जिन कानों को आदत पड़ गई है मूवी देखने की, गाने सुनने की, फिल्मी गाने सुनने की, जिन आंखों को आदत पड़ गई है गंदी चीज स्वरूप को देखने की, वो सुधरेंगे कब? राम सुमरन करो तुम सुधर जाओगे, हरि सुमरन करो तुम सुधर जाओगे। जिनकी कानों को आदत लग गई है कुछ और सुनने की, तो फिर भगवान की कथा कहाँ सुनेंगे, वो तो कुछ और ही सुनेंगे। एक बार सुनेंगे तो असर हो जाएगा, प्रभाव जरूर होता है। भगवान के नाम में वो ताकत है, वो शक्ति है, वो चुंबक है कि जिनको भगवान के नाम की कथा की और सत्संग की आदत पड़ जाए, वो चाहे कहीं भी बैठा है, चाहे कितना भी व्यस्त है, बिजी है, वो दौड़कर के समय निकाल करके जरूर आता है। जिन्होंने कभी स्वाद चखा नहीं, ईर्ष्या स्वादन किया नहीं, तब वो क्या जाने। आप जब तक पियोगे नहीं पानी, तो आपको लगेगा कि खट्टा है कि पता नहीं मीठा है, खरा है कि तरफ मीठा है, आपको चखना पड़ेगा पानी का स्वाद। ये जल कैसा है, ये खारा है या मीठा है, चखने के बाद आपको ज्ञात होगा कि ये तो बहुत खारा है, ये तो नमक के जैसा है। इसलिए किसी भी विषय वस्तु को जानने के लिए हमें चखने की आवश्यकता है, हमें आने की आवश्यकता है। शौनकादिक ऋषियों ने महामतिम सूत जी से 6 प्रश्न पूछे हैं कि हमारे महाराज, हमारे मन में अनेक अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं हैं और बहुत कंफ्यूज है, हमारे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उदय हो रहे हैं, हमें आप बताइए तो सही, क्योंकि आप तो पुराणों के इतिहास के जानने वाले हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ज्ञानी हैं। कि त्वया खलु पुराणानि सेतहासानि चानघ आख्यातान्यप्योधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युता। हे प्रभु, आप तो समस्त प्रकार के इतिहास पुराण धर्म शास्त्रों को विधि पूर्वक जानने वाले हैं, आपके मन में कोई अगर जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, जब तक आप किसी ज्ञानी के पास, किसी संत के पास, गुरु के पास नहीं जाएंगे, तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर आपको प्यास लगी है तो आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा, जहां आपका घर में आरओ लगा है वहां पानी पीने के लिए जाना पड़ेगा, या किसी से मांगना पड़ेगा, हमें प्यास लगी है बहुत तेज, पानी पिला दो। अनेक अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं, अनेक अनेक प्रकार के शंकाएं इस जीव के मन में उत्पन्न होती हैं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।